और डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में भारत की खोज जो हम कर रहे हैं, हमें इससे अच्छी चीज़, इससे अच्छी जगह और कहीं भी नहीं मिल सकती है। दर्शकों, इसी कड़ी में हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर जो मौजूद संत महात्माएं हैं उनके ज़रिए आप तक अपने भारत को बुलाएं और आपको पहचान दिलाएं कि आखिरकार अध्यात्म क्या है और क्यों हमारी संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण रखती है हमारे लिए। उसी कड़ी में हम पहुँचे जाने माने भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के समक्ष, और उनके सानिध्य में जब हम गए, उनके पास हम पहुँचे, तो उनसे बात करके हमने सोचा क्यों ना उनके माध्यम से आप तक अपने भारत को लाया जाए और क्यों ना उनसे जोड़ा जाए। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को एक बार पुनः पहचानते हैं, उससे परिचित होते हैं। महाराज श्री, स्वागत है आपका, नमस्कार। महाराज श्री, हम आध्यात्मिक भारत की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, जो कि आज के समय में देखा जाए कहीं गुमसी हो गई है। किसी को नहीं पता है कि आखिरकार आध्यात्मिक भारत क्या है, हम क्यों अपनी संस्कृति से इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार आध्यात्मिक भारत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और क्यों पुराने समय की बात करें तो लोग इसे अपनाते थे, इसी में जीते थे, जानना चाहूँगी आपसे। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद नडकम नवंजिवारम उधर तु कामा सनकादि सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। भारत में क्या विश्व को यदि संस्कृति दी है तो इस श्लोक से दी है। नित्यावसाने नटराज राजो न नादो न ढक्कम नव पंचवार। भगवान शंकर ने जब नृत्य किया था तो उस नृत्य के अंदर से नित्यावसाने नटराज राजो, नटराज बन के भगवान ने उसका जो है डमरू बजाया था, और डमरू के अंदर से जो शब्द निकले थे उन शब्दों से ही विश्व की, शब्दों की, विश्व का जो ये अक्षर है, इस अक्षर का जो है उत्पत्ति हुई, और उस उत्पत्ति से ही हमने विश्व की संस्कृति को पहचाना। आज भी भारतवर्ष में जो संस्कृति है और जो संस्कार हैं वो विश्व को ही हमने दिए। कैसे दिए? हमारे यहाँ वेद उसका प्रमाण है, वेदों की दृष्टि से हमने उसको संस्कृति को दिया है। वेद क्या है? वेद जो है आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष है हमारे अंदर जो बैठने वाली गति है, जो हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर को चलाती है, इस शरीर से ही सब विश्व की गतियां चलती हैं, वो अंदर बैठा हुआ अंतःकरण के अंदर वो आदि पुरुष है, जिस आदि को हम ब्रह्म कहते हैं, वो सब में विराजमान है। स्त्री पुरुष में बराबर, हमारे यहाँ श्री की जो उत्पत्ति हुई है वो स्त्रीलिंग से हुई है, तो हम तो जो है इस देश की धरती, इसलिए हमारे देश की धरती का नाम भारत माता है, और भारत माता की व्याख्या है श्री से। श्री ही हमारे विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। श्री यंत्र के द्वारा ही जितनी भी उत्पत्तियां होती हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो श्री यंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। उसमें दो होते हैं, कक्षप प्रष्ठा मेरु प्रष्ठा, दो है। उसी से हमारे यहाँ ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बना विश्व का। देवताओं की, वेदांत की दृष्टि से, वेदांत के अंदर जो है हम जो है ईश्वर को साकार रूप में नहीं मानते, निराकार रूप में मानते हैं, परंतु निराकार रूप की उपासना करने के साथ साथ हम वहाँ एक उपासना करते हैं, वो करते हैं गुरु की उपासना। तो गुरु शब्द जो है वो है, गा शब्द जो है वो अंधकार है, और रू शब्द जो है वो उजाला है, ज्ञान है। तो गुरु शब्द की व्याख्या से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है। अनेकों ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के अंदर देवताओं की स्तुति नहीं है, भगवान की स्तुति नहीं है, परंतु बिना गुरु के किसी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। तो अध्यात्म को जानने के लिए, इस राष्ट्र को जानने के लिए सबसे अधिक हमें जो है अपने को जानना है, और अपने को क्या जानना है कि हम किस गुरु के अधीन। हमारे यहाँ ही से ही
भारत की संस्कृति मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता सबसे पहले गुरु होती है और माता ही बताती है तुम्हारे पिता है, संबोधन वाचक है। बच्चे को जो है उंगली पकड़ के सिखाती है, चलो चलना सीखो। जब बच्चा चलना सीखता है ये राष्ट्र की है। तो इस आध्यात्मिक राष्ट्र के अंदर वर्तमान के समय में जो क्षय हुआ है वो माता पिताओं का जो है सम्मान। तो सम्मान जिस देश के पास नहीं है, जिस देश के पास माँ नहीं है, जिस देश के पास देश की संस्कृति नहीं है, वो देश नष्ट हो जाता है। वर्तमान में यही चल रहा है। तो हम क्या खोजें? भगवान शंकर ने जो है दिया, लेकिन महाराष्ट्र कहने के लिए तो है कि ये मेरे माता हैं, ये मेरी पिता हैं और ये मेरे गुरुवर हैं। समाज में हम रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन जो पहले के टाइम में बात थी जब हम हृदय से मानते थे, सिर्फ संबोधन नहीं करते थे, हृदय से उसे मानते थे और सचमुच जो वो समझाते थे उसे सीखते थे, लेकिन मात्र आज शब्दों का खेल रह गया है ये। इसलिए कि हमारी जो एजुकेशन है, वर्तमान की जो एजुकेशन है वो कॉमर्शियल हो गई। कॉमर्शियल एजुकेशन के होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पढ़ के एजुकेटेड होके कितना कमाऊंगा। पहले नहीं थी, गुरुकुलों की व्यवस्था ये नहीं थी। गुरुकुलों की व्यवस्था में जो है यही संस्कृति सिखाई जाती थी, देश की पहचान क्या है, राष्ट्र ध्वज की पहचान क्या है, गुरु की पहचान क्या है, माता पिता की पहचान क्या है, यही है। तो आज एजुकेशन जो है वो कॉमर्शियल हो गई, इस वजह से ये कष्ट। जी बिल्कुल। महाराज जी, आप भूमा पीठाधीश्वर हैं, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो भूमा निकेतन है उसका इतिहास क्या है और किस तरीके से भूमा निकेतन जो हमारे आध्यात्मिक भारत को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहा है और समाज में युवा वर्ग खासकर इससे अवगत रहे इसके लिए क्या कुछ कर रहा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा का ये स्थान है। यहाँ पर चारों पीठ के शंकराचार्य यहाँ रहे, यहाँ रहकर विद्या अध्ययन हुआ है। यहाँ सुबह प्रातःकाल स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय जैसे है अद्वैत सिद्धि है, वेदांत में पुस्तक हैं जितने भी हमारे जो हैं पुस्तक हैं, विवेक चूड़ामणि, अप्रोक्ष अनुभूति, अनेक मांडू उपनिषद, कठोर उपनिषद, इन उनका यहाँ पर स्वाध्याय होता है। और उस स्वाध्याय से जो है ये जाना जाता है कि ब्रह्म क्या है, और उस ब्रह्म से जानकर ही ये संदेश पूरे विश्व को दिया जाता है। इसलिए हम सब में क्या देवत्व भाव देखते हैं, जो देवत्व भाव है उसी की नाम संस्कृति है। जब सब में एक स्वरूप देखे वो संस्कृति उसी को कहते हैं। वो संस्कृति को किस तरीके से आज का युवा जोड़ सकता है, क्योंकि अगर युवा ही अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेगा तो भविष्य, जो भारत का भविष्य टिका हुआ है अपने युवाओं के कंधे पे, वो तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज का युवा अपनी ही संस्कृति को भूलकर फॉरेन जो चीज़ें हैं उनके कल्चर को अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसे जागरूक करना बहुत ज़रूरी है? बड़ी बहुत अच्छी बात आपने बूझी। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये संबोधन करना चाहते हैं कि जिस देश की संस्कृति, जिस देश में संस्कार नहीं रहते वो देश नष्ट हो जाता है। अब जैसे आप विचार करके देखिए,